अभी आपने सुना है कि एक आदमी रेडियो पे बोल रहा है कि हाँ मैंने एक खून किया है। जब आदमी खून करता है तो वो ज्यादातर वहां से भाग जाता है या कहीं पे जाके छुप जाता है, पर ये वाला खूनी इतना खतरनाक निकला कि खून करने के बाद वो एक रेडियो स्टेशन में फोन करता है, वहीं पे खड़े होके जहां पे लाश पड़ी, और लाश कहीं अंधेरे में नहीं पड़ी है, खुलेआम बीच के ऊपर दिन दहाड़े, उसे जरा भी डर नहीं है। वो बड़े आराम से फोन पे बात करके बता रहा है कि हाँ मैंने खून किया, खून पानी में बह रहा है, पानी की लहरें आ आकर टकरा रही थी लाश से। अभिजीत ने यह सुना तो उसके होश उड़ गए, उसने एसीपी साहब को बताया। हम लोग फौरन वहां बीच पर पहुंचे पर वो नहीं मिला। अब हमारे पास था तो सिर्फ वो आवाज, अभिजीत और एसीपी दोनों ने उसकी आवाज सुनी थी और उस आवाज से अंदाजा लगा रहे थे कि वो कैसा आदमी होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, अमीर होगा, गरीब होगा, कामकाज क्या करता होगा, कोई प्रोफेशनल खूनी है या कोई ब्लैकमेलर, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने उन लोगों का खून किया क्यों। हम लोग ये सब ढूंढ ही रहे थे कि फिर से उसकी आवाज हमने रेडियो पर सुना, और इस बार तो उसने हद ही कर दी। इतना भयानक नजारा था वो कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा आपको, आप खुद ही देख लीजिए कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जिनके दिमाग में कुछ हो जाता है। क्या करेगा आगे क्या मालूम। क्या? Don't tell me कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिली है। अभी तक तो नहीं मिल रही है, बाकी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना काजल। रोहित, दो हफ्ते में हमारी शादी है और तुम कह रहे हो कि छुट्टी नहीं मिल रही है। बॉस नहीं मान रहा यार। अब तुम ही नहीं होगे तो शादी कैसे होगी। लिसन, तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ, शादी होगी या नहीं। ये गाड़ी किसने पार्क कर दी यहाँ पे आके। मैं देख कर आता। संभल कर जाना रोहित। क्या हुआ? पता नहीं कौन था, मुझे देखकर अचानक भाग गया। रोहित, आई थिंक हमें भी अब यहाँ से निकलना चाहिए। अरे यार, मेरे होते हुए तुम्हें नहीं डरना चाहिए, कोई जरूरत नहीं डरने की। रोहित, ये मजाक करने का वक्त नहीं है यार। अच्छा अच्छा बाबा, ठीक है। ये अचानक गाड़ी कभी स्टार्ट हो रही है, लगता है बारिश का पानी घुस गया। ओह नो, अब क्या होगा रोहित। रोहित, गाड़ी वापस आ रही है। जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो रोहित, जल्दी रोहित, जल्दी करो, मुझे डर लग रहा है। ओह गॉड, रोहित गाड़ी स्टार्ट करो। ओह गॉड, रोहित गाड़ी स्टार्ट करो। डर रहा हूँ ना यार, ये हो नहीं रही है। डैमेज, ये शीशे क्यों नहीं ऊपर जा रहे। डैमेज, रोहित शीशे ऊपर जा रहे हैं। डोंट पैनिक यार, प्लीज। गाड़ी स्टार्ट करो रोहित, ट्राई रोहित, कोशिश करो यार, वो आ रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे मत मारो, क्या कर रहे हो? सुनो, है शुक्र है, मुझे पता था
भगवान तुझे कुछ नहीं होने देगा। अभिजीत मेरे बेटे अभिजीत। आप कौन है? ऐसे मत कह बेटा, ऐसे मत कह। मैं माँ हूँ तुम्हारी, माँ हूँ तुम्हारी। बेटे ये कहाँ ले आए? बेटे बेटे मुझे मुझे पहचानने से इंकार मत कर। सब ठीक हो जाएगा ना भाई। हर रोज वही सपना, एक ही सपना। लिया होता तो आज इस क्या बात है इतनी रात को? डबल मर्डर कहां पे? सर मैं यहां से गुजर रहा था, मुझे पता चला किसी की गाड़ी खराब हो गई है। जब मैं इनकी मदद करने के लिए इनके पास आया तो देखा दोनों मरे पड़े हुए थे। रेडी? दो दर्दनाक खून हो चुके हैं शहर के बीचों बीच। सीआईडी यहां पे पहुंच गई। वो दिनेश नाम के किसी आदमी से बात कर रही है जिसने फोन करके उन्हें यहाँ पर बुलाया है। ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ रही है क्राइम रिपोर्टर, वरी ओनली ऑन क्राइम। अभिजीत आ गया? एक मिनट, ये टायर के निशान देखो, इसका मतलब इस गाड़ी के पीछे यहाँ पे एक और गाड़ी खड़ी थी। ये टायर का निशान खूनी के गाड़ी का हो सकता है। हो सकता है, एक बात नोटिस की? कौन सी बात? टायर मार्क्स हैं, ऐसा लगता है किसी पुरानी गाड़ी के। हाँ, इस टायर के डिजाइन पे ज़्यादा ग्रूव नहीं है। ये आजकल के टायर्स होते हैं वैसे नहीं है, ये पुराने साधारण टायर। टायर पुराने हैं तो फिर गाड़ी भी पुरानी होगी, क्योंकि नई गाड़ी में कोई पुराने टायर तो डालेगा। सर ये गाड़ी कोई विंटेज कार होगी सर। उन्हीं ने यहाँ खड़े होकर पार किया है, पॉइंट ब्लैंक रेंज। गोली के दो दो शेल मिले हैं, मतलब पिस्टल से फायर हुआ। सर, आप इस खून के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपके सामने ही चल रहा है, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर प्लीज थोड़ा डिटेल में बताइए, आपको क्या लगता है खूनी कौन हो सकता है? एक नो कमेंट्स। हेलो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02212432322 पर और सुन सकते हैं अपना फेवरेट गाना, और गाना हमारा, फरमाइश आपकी। आप सुन रहे हैं अपनी फेवरेट आरजे सुप्रिया को अपने फेवरेट चैनल 37.1 आरएम पर। ओ हेलो,
मैं कुछ कहना चाहता हूँ सुप्रिया। कल रात हाईवे के पास जो दो गुम हुए ना, वो मैंने किए। आप मजाक कर रहे हैं सर। बिल्कुल नहीं सुप्रिया, मुझे मजाक करने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैंने ही उन दोनों को मारा है और मैं आज सबको तुम्हारे रेडियो चैनल के जरिए बताना चाहता हूँ कि उन दोनों का खून मैंने किया है। और सुप्रिया, तुम्हारे बारे में भी मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तुम्हारा एड्रेस 104 शांतिवन बोरीवली 201 नंबर बस पकड़ कर सुबह 9 बजे घर से निकलती हूँ ना। ओह माय गॉड, अभिषेक। हाँ अभिषेक। सर जरा रेडियो ऑन करिए। रेडियो ऑन करो। क्यों? 37.1 आने पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो आपने क्या बताया कि आपने किसी का? जी हाँ, मैंने कल रात एक सुनसान सड़क में एक कार में दो लोगों का खून कर दिया। देखिए सर, मुझे लगता है कि आप पब्लिसिटी के लिए बेगुनाह लोगों की जान ले रहे हैं। न्यूज़ में क्या बताया था कि सीआईडी वालों को ड्राइवर सीट के पास .22 की दो गोलियां मिली थी? और क्या न्यूज़ वालों को ये पता था कि लड़का पहले मरा और लड़की चीखते हुए बाद में मरी? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। Damn it. अभिजीत, पता करो ये फोन रेडियो स्टेशन पे कहां से आया था। किसी भी हालत में हमें इस खूनी को पकड़ना ही चाहिए और कितने लोगों की जाने जाएंगे पता नहीं। हमें अभी आ रहा हूं। फोन करके अपना ढिंडोरा रेडियो पे पीट रहा है, इतनी हिम्मत? ये हिम्मत नहीं है अभिजीत, दिमाग खराब हो गया उसका। खराब हो गया, टेढ़ा दिमाग है उसका। विवेक, कुछ पता चला कि नहीं फोन कहां से आया था? बस सर, अभी तक यही पता चला है कि फोन अंधेरी से किया गया था सर। अंधेरी से? अंधेरी चलते हैं। सर। हेलो, या विवेक या? अच्छा, कहां से? पक्का? ओके, ठीक है, थैंक्स, या बाय। सर, पता चल गया कि फोन कहां से आया था सर। कहां से किया गया? मिस्टर महेंद्र के घर से सर। महेंद्र? कहां रहता है ये महेंद्र? नंबर 3 प्लेजेंट कॉलोनी, अंधेरी लिंक रोड सर। आप लोग किधर अंदर घुसते जा रहे हैं? महेंद्र कहाँ है? घर पे है? साहब घर पर नहीं है। कहाँ गए वो? साहब मैम साहब जॉगिंग पर गए हैं। देख चेक करो। नहीं सर, घर तो खाली है। घर खाली है? नाम क्या है तुम्हारा? कांचा सर। अच्छा कांचा, ये बताओ तुम्हारे महेंद्र साहब जॉगिंग के लिए कहाँ पर जाते हैं? ये पास में केरला बीच है, वहाँ पर जाते हैं। ये सेलफोन लेके गए? फोन है उनके पास ना? हाँ जी साहब, फोन है, साथ में लेकर गए। इसका मतलब है फोन महेंद्र ने नहीं किया। कांचा तुम हमारे साथ चलो, दिखाओ हमें वो बीच कहाँ पर है। साहब यही बीच है। कांचा चलो आप। साहब वहां पे ये बीच है। कांचा जी सर, ये लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे कितनी खुली जगह है, कहीं छुपने की जगह भी तो नहीं है? साहब मेम साहब तो हमेशा वॉकिंग के लिए यहीं पे आते हैं। अरे यहीं पे आते तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहां है? ए, 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 ऐसे क्यों भाग रहे? क्या हुआ वहाँ पे सर? उस तरफ सर। क्या हुआ सर? दो लाशें सर, एक एक आदमी की और एक औरत की सर, वहाँ उस तरफ सर। क्या बोला, आदमी और औरत? अरे कहीं साहब नीम साहब तो नहीं है? साहब हटिए हटिए। साहब ये हमारा साहब और नीम साहब है। साहब ये तो महेंद्र है। एक्सक्यूज मी सर, ये सब क्या हो रहा है? दो खून और हो चुके हैं, पिछले 12 घंटे में 4 खून हो चुके हैं। हम जानना चाहते हैं कि सीआईडी क्या कर रही है, उनके होते हुए ये सब कैसे हो रहा है? देखिए मैम, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ। हर बार मीडिया का मुंह बंद नहीं कर सकते। मैं क्या कह रहा था अभिजीत, कि वो सर, सर हम जानना चाहते हैं लाश पहले किसने देखी?
लाश के पास और कौन था? पुलिस और आपके होते ये सब कुछ हो रहा है और आपको कुछ पता ही नहीं है, ये कैसे चलेगा? देखिए, भाषण मत दीजिए, अभी आप हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। ये भाषण नहीं, सवाल था। हाँ तो सवाल का जवाब देंगे, हैं? देंगे, वक्त आने पे देंगे। आप लोगों ने सारे सुराग मिटा दिए, यहाँ पे हमें काफी सबूत मिल सकते थे, समझे? हटो पीछे, लाश को लिपटने की क्या जरूरत थी? हटो, चलो, हटो। वक्त आने पे नहीं, हमें सारे सवालों के जवाब अभी चाहिए। फ्रेडी आया सर। हाँ सर, ये हमारे ऑफिसर फ्रेडी हैं, ये आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। लेकिन एसीपी साहब। आइए मैडम, आइए। दोनों की छाती पे गोली मारी गई है सर, और किसी ने खून होते हुए नहीं देखा। खूनी बड़ा चालाक है, खून करने का एक ही तरीका, आसपास कोई नहीं। ये बात तो साफ हो गई, महेंद्र ने ना तो खून किया है और ना ही फोन। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। अरे लेकिन वो एसीपी। अरे एसीपी साहब को छोड़िए, देख रहे ना क्या, तो काम भी दीजिए। देखे, अब मैं हूँ ना, मुझसे पूछो क्या पूछना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, सीआईटी के होते हुए ये सारे खून कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? लगता है किसी ने फंसा दिया महेंद्र को। देखो, एक कुछ का फोन है सर, हिम्मत तो देखिए इस खूनी का। खून करने के बाद इसी के फोन से यहाँ खड़े रह के फोन करता है रेडियो स्टेशन पर। कमाल है सर। दया, खूनी शायद यहीं पर होगा, क्राउड के बीच में होगा। अभिजीत, तुम्हारे पास के मोबाइल से क्राउड का चुपके से वीडियो शूटिंग कर लो। स्टेशन पे फिर से फोन करेगा सर, अपने खून के किस्से सुना। इस बार हम तैयार रहेंगे सर। पहला खून करने के बाद इस आदमी ने रेडियो स्टेशन में फोन किया था, शायद इस बार भी करे। दिमाग घुमा हुआ इस आदमी का सर। हाँ, अगर कोई दूसरा आदमी होता तो खून करने के बाद कहीं भाग जाता, कहीं छुप जाता। पर सर, ये आदमी अपने ही हाथों अपनी कब्र क्यों खोद रहा है? कुछ लोग ऐसे होते हैं ताशा, जिनमें एक तरह का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। हो सकता है कि इस आदमी के बचपन में शायद कोई ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया, और इसीलिए वो कुछ ऐसा काम करना चाहता है जिसकी वजह से लोग उसके बारे में बातें करें, चर्चा करें। तब तो ये आदमी बार बार खून करेगा सर। वही तो डर है फ्रेडी। रेडियो स्टेशन से फोन है सर। रेडियो स्टेशन? हाँ सज्जन, बोलो। खुली का फोन है। ठीक है, हम लोग रेडियो ऑन करते हैं। थैंक यू। देखा कितने प्यार से दोनों सोए हुए हैं बीच पर, समंदर की लहरें उन्हें अपनी आगोश में ले रही है, उनके ऊपर से बार बार जा रही है, उनका लाल लाल खून कितने प्यार से पानी में घुल मिल रहा है। प्रेडिक्स, कॉल ट्रेस करने की कोशिश करो जल्दी। यस सर। ये सब करने से आपको क्या? शट अप, फिर कभी ये सवाल मत पूछना। मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने किया। आप क्यों कर रहे हैं? शट अप यू। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। सिर्फ वही होगा जो मैं चाहता हूँ।
अगर जल्दी पकड़ा नहीं गया तो पता नहीं और किस किस का खून करेगा। सर हाँ? पता चल गया फोन कहां से आया था। कहां से आया? जुहू के एक पीसीओ से। सर इसी पीसीओ से फोन किया था। हाँ विवेक, इसी पीसीओ से उस आदमी ने फोन किया था। कुछ ना कुछ तो पता चलेगा उस आदमी के बारे में। एक काम करो विवेक, तुम फोन चेक करो, फोन के ऊपर से उस आदमी के उंगलियों के निशान उठाओ, तब तक मैं इस पीसीओ वाले से बात करता हूँ। सुनो भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से किसी ने फोन किया था, यही करीब आधे घंटे पहले। आधा घंटा पहले? नहीं, कौन है आप? सीआईडी। सीआईडी? ओ, क्या बात है। वो सब छोड़ो, उस आदमी के बारे में कुछ बता सकते हो? वैसे तो मैं देख नहीं सकता हूँ। ओ सर, इसी पीसीओ से फोन किया था ना? अरे उस आदमी के नहीं तो नहीं, किसी और के भी नहीं है क्या? नहीं सर, उसने फोन को बहुत अच्छी तरह से साफ किया है सर। सुनो, उस आदमी की आवाज सुनी थी आपने? नहीं सर, कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी थी, शायद यहीं आसपास था वो कुत्ता। कुत्ता? हाँ कुत्ता, भौंकता ही जा रहा था। कुत्ते की भौंकने की आवाज, तो हो सकता है अभिजीत वो आदमी अपने साथ एक कुत्ता लेकर आया हो, और अगर वैसा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम उस कुत्ते के सहारे उस आदमी तक पहुंच सकते हैं। कुत्ते से आदमी तक? हाँ फ्रेडरिक्स, कुत्ते से आदमी तक। इंतजार कर रही हूँ। कब से? पूरे 40 मिनट। बस सिर्फ 40 मिनट? बस, कोई सॉरी वॉरी नहीं, सिर्फ बस। I'm sorry baby, I'm really very very sorry. लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि मैं लेट क्यों आया हूँ, तो तुम मुझे माफ जरूर करोगी। बताइए आपका नया बहाना। बताता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है, वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगा। लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे चेहरे पे और भी कुछ दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं तरुण, ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। और तो कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। तुम डरो मत, मैं किस लिए हूँ, मैं हूँ ना। तरुण मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, कोई सच में मेरा पीछा कर रहा है। तरुण प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। I promise. मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलो अब जल्दी से मुझे अपनी प्यारी सी स्माइल दे दो और अपनी ये प्यारी प्यारी आंखें बंद करो। आंखें बंद क्यों? करो तो सही, बताता हूँ। ठीक है। नो चीटिंग। हाँ अब अपनी प्यारी प्यारी आंखें खोलो। गिफ्ट? क्या है इसमें? खुद ही देख लो। So beautiful. Really? You like it? अब तो माफी मिलेगी ना? एसीपी साहब, ये चार गोलियां हैं, इन चार लाशों में से निकली, बिल्कुल एक जैसी हैं, एक ही गन में से निकली। मतलब खून एक ही आदमी ने किया है। लगता तो यही। एक बात और। ये क्या? रुमाल है? हाँ, रुमाल है। इस रुमाल में जरा देखिए, ये क्या है? ये तो एक बाल है। नहीं हाँ बॉस, बाल है, कुत्ते का बाल। कुत्ते का बाल? कुत्ते का बाल तेरे पॉकेट में कैसे आया साड़ू की? अरे यार ये मेरा रुमाल नहीं है। तो फिर? ये महेंद्र का रुमाल है, उसकी पॉकेट में से आया, शायद मोबाइल के साथ आ गया हो। सर एक मिनट, जरा यहाँ पे आएंगे प्लीज। हाँ क्या हुआ? सर इसकी आँख में कुछ है। कुछ है? लेंस देना। जरा फोर्स अप दो।
बस ये वैसा ही बाल जैसा महेंद्र की पॉकेट में से निकला था, कुत्ते का बाल। संघी, तुम्हें कैसे पता चला कि ये कुत्ते का बाल है? कमाल करते हो बस, मेहनत करते हैं, चेक करते हैं, एनसाइक्लोपीडिया में देखते हैं। अच्छा तो सर आपको ये भी मालूम होगा कि ये बाल कौन से कुत्ते का बाल है? हाँ मालूम है ना? तो सर प्लीज जल्दी बताइए ना, कौन से कुत्ते का बाल है ये? बर्गमास्कस। बर्गमास्कस। सर ये बर्गमास्कस नाम पहले कभी सुना नहीं है सर। अरे यार विवेक, तुमने सुना क्या है अब तक? सर ये देखिए यहाँ पे। ये है बर्गमास्कस। बर्गमास्कस कुत्ता उस अंधे पीसीओ वाले ने भी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी थी। हो ना हो ये वही कुत्ता है, और ये बाल भी उसी कुत्ते का है। बर्गमास्कस खूनी के पास भी यही कुत्ता है। पता लगाओ ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ये बर्गमास्कस कुत्ता है, और वो लिस्ट भी लेकर आओ जिनके पास विंटेज गाड़ियां हैं। ये है वो लिस्ट जिनके पास ये विंटेज गाड़ियां हैं, और जिनके टायर के निशान वैसे ही हैं जैसे हमें मिले। सर मुंबई में ऐसे 8 लोग हैं जिनके पास बर्गमास्कस कुत्ते हैं। बर्गमास्कस कुत्ते? अभिजीत याद है ना वो कुत्ते का बाल जो लाश की आंख में से मिला? यस सर, ना तो महेंद्र के पास कुत्ता था ना ही रोहित और काजल के पास। और सर उस अंधे पीसीओ वाले ने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी थी सर। हो ना हो ये वही कुत्ता है, खूनी का कुत्ता। क्या हुआ सर? एक ही नाम दोनों लिस्ट में है,
कौन सा सर? रोनी, रोनी माइम का रहने वाला। इसके पास ये बर्गम एस्केस कुत्ता भी है और 1950 डंकर का। इसका मतलब सर वो खूनी यही है। इस माइम में रोनी के घर से पता लगाते हैं। अजीब सी बदबू है। दशा, इतनी बदबू। इसने तो अपने कुत्ते को ही मार दिया। कैसे पता चल गया था हम इस कुत्ते को ढूंढ रहे हैं? हम अगर कुत्ते को जान से मारना है, काफी खतरनाक आदमी है ये। क्या तमाशा करने वाली है? आप यहाँ भी? जहाँ जहाँ सीआईडी वहाँ मैं। अब क्या चाहिए? हमें पता चला है कि आपको खूनी मिल गया। क्या ये सच है? अब आपने ही जवाब दे दिया तो हमारे लिए कहने के लिए कुछ रखा ही नहीं। सर सच्चाई तो आपको बतानी पड़ेगी। ऑडियंस आपको देख रही है। आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि खूनी को पकड़ने के बजाय आपने उसे एनकाउंटर में मार दिया। ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए आप लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। तो फिर अभी जिसकी लाश वो कौन? इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल जाएगा। ये कैमरा बंद कर। अंडर कैमरा। चल। अरे, 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 अ
क्या कर रहे हैं आप? अरे दया दया, एक मिनट यार, इस वालों से पंगा मत लो। अब ये किए ये पुलिस और सीआईडी के बारे में कुछ भी बोले जाते हैं और कि आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपको इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए, जानते हैं पब्लिक में कितनी दहशत फैली हुई है। वो भाई हम सर क्या रेडी? सर ये देखिए पुरानी कार देखिए। टायर मार्क्स तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले वाली मर्डर साइट पे था। कुछ भी हो जाए मनु, कैमरा ऑफ मत करना, ओके? ये इसका मतलब ये रोनी है, हमारा खून है। इस कोप के साथ मेरा प्रमोशन तो पक्का है। सीआईडी को भी तो पता चले कि परी क्या चीज है। सोलंकी ये अचानक कैसे मर गया और वो भी सीआईडी ऑफिसर्स के सामने? चैंपियन था बॉस, ये चैंपियन था। चैंपियन था तो फिर मरा कैसे? वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक के जितने टेस्ट हुए हैं उससे तो ये पता लग रहा है कि ये आदमी जहर खाने की वजह से मरा। जहर खाने से? पर सर जहर खाने का कोई निशान देखा नहीं बॉडी पे। विवेक अगर निशान दिख जाता तो मैं क्यों इसका पेट काट कर इसके पेट में हाथ डालता? सॉरी सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो बस हंस लिया और काम हो गया है? यानी चैंपियन था, खूनी था और अब इसने जहर खा लिया? सर ये एक अलग तरह का पॉइजनिंग है, अल्कोहल पॉइजनिंग। मतलब ये आदमी दारू पीने से मरा है? अगर दारू पीने की कोई चैंपियनशिप होती ना तो गोल्ड मेडल मिलता है इसे। लीवर फट गया इसका, इतनी दारू पीता था ये। सर शायद इतनी ज्यादा दारू पीने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया था और इतने खून करने लगा था। भगवान ने बचा लिया इसे हमारी गोलियों से। हाँ सर। सर अभी तक तो हम लोग रॉनी के घर पे ही हैं। सर मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से छानबीन कर रहे हैं। ये रॉनी की मौत हुई कैसे सर? ओके थैंक यू। क्या बात है, रॉनी के बारे में कुछ पता चला? उसकी मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। ये रॉनी भी मरते मरते अपना आखिरी खून कर गया। सर डीवीडी मिली है सर, ये देखिए इस पे तारीख लिखी हुई है। ये तो वही तारीख है, इसी दिन दोनों खून हुए थे। इसका मतलब इस डीवीडी का उस खून से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। लगा के देखो। मनु इधर आओ, ये कैप्चर करो। रोहित और काजल, ये तो रॉनी के अपने विक्टिम को मारने से पहले की वीडियो है। सर ये रॉनी दिमाग से इतना बीमार होगा? अरे यार ये परी तो पीछे ही पड़ गई है। अजीत तुम कहो तो मैं इन दोनों लोग। अरे नहीं यार जाने दो, दूसरा डीवीडी देखते हैं। उसकी वाइफ हेलो सर, आप मैं इस वक्त उसी के घर में हूं। मुझे 15-20 मिनट दीजिए, मैं आपको फोन करती हूँ।
हाँ मैं आपको बहुत बड़ी न्यूज देने वाली हूँ, ओके? या इतने सारे लोगों की जान चली गई और हम लोग कुछ नहीं कर सके सर। एक और डीवीडी से मतलब एक और खून लगा के देखो। माय गॉड, मुझे लगता है ये लड़की अभी भी जिंदा है, कहीं पे भी इस लड़की को मरते हुए नहीं दिखा है। शायद हम इस लड़की को बचा सकते हैं लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। इसके पहले कि लड़की डूब जाए हमें उसे बचाना होगा। मगर ये जगह है कहाँ? कहीं कहीं इस घर में तो नहीं है? ढूंढो ढूंढो। बाकी के कमरों में कुछ नहीं मिला है, ना कोई छुपा हुआ दरवाजा, ना कोई जगह है, यहाँ भी कुछ नहीं है। कि यहाँ नहीं है तो फिर है कहाँ? ये गगन है, रॉनी का पड़ोसी। सर, ये क्या किया आप लोगों ने? क्यों? नहीं ऐसे ही, रॉनी घर पे नहीं है। रॉनी घर में क्या, इस दुनिया में नहीं है, मौत हो गई उसकी। क्या? ओह माय गॉड, कब हुआ ये? आज ही। अच्छा ये बताओ, इस घर के अलावा रॉनी का और कोई दूसरा घर भी है? जहां तक मैं जानता हूं सर, एक ही घर था उनका, ये वाला। अच्छा रॉनी के परिवार में कोई पत्नी बच्चे वगैरह? हाँ एक बेटा है। बेटा है? काफी दिनों पहले बाप बेटे में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, फिर बेटा घर छोड़कर चला गया, तब से दोनों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। ये नाम क्या है बेटे का? संजय। क्या खून? मेरे पिताजी, मेरे पिताजी खूनी? नहीं नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही। एंड प्लीज देखिए, अब उनके गुजर जाने के बाद कम से कम उनके बारे में ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए आप। ये बात सच है। कुछ ऐसे सबूत मिले जो इशारा करते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने चार खून किए हैं, चार, और पांचवे आदमी को किडनैप किया है। नहीं नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही। मेरे पिताजी बीमार थे सर, वो खुद अपनी केयर नहीं ले सकते थे, वो किसी का खून क्या करेंगे भला। और देखिए सर, अरे मेरे पिताजी और मेरे बीच में कितना भी तनाव हो, भले उन्होंने मेरे साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, लेकिन वो मेरे पिताजी थे सर, मैं उनको जानता हूँ सर। मेरे पिताजी शरीफ आदमी थे, वो किसी का खून क्यों करेंगे भला। संजय एक बात बताओ, किस बात पर झगड़ा था तुम्हारा अपने पिताजी के साथ? प्रॉपर्टीज। दरअसल मेरे पिताजी के पास बाप दादाओं के जमाने से चली आ रही कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी। मैं बिजनेस के लिए वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता था, लेकिन पिताजी चाहते थे कि वो प्रॉपर्टी उन्हीं के पास रहे उनके मरते दम तक। ये कहाँ पे है तुम्हारी प्रॉपर्टी? कोलाड में सर। कोलाड में? दरवाजा तोड़ दो। माय गॉड, ये तो मर गई है। विवेक जल्दी से जाओ ऊपर।
गॉड। ये देखिए, यहाँ भी डीवीडी है। इसका मतलब इसकी मौत रिकॉर्ड की है उसने। इस सैडिस्टिक आदमी था। बिल्कुल। उसने तो इसे डुबाकर मारने की पूरी तैयारी की थी। तो फिर सिर में गोली क्यों चलाई? ये रॉनी तो मर गया। अब पूछे किससे? लेफ्ट लेफ्ट तारिका, लेफ्ट लेफ्ट तारिका, थोड़ा सा लेफ्ट। नीचे और नीचे, गोली अंदर है तारिका। और यस यस गुड राइट करेक्ट, खींच लो, निकाल लो गोली बाहर। तारिका जरा चेक करो, पहले जो गोलियां चली हैं वो भी इसी गन में से आई हैं क्या जिसमें से ये गोली निकली? सर ये रॉनी दिमाग खराब होने के बावजूद प्लानिंग बहुत अच्छी कर रहा था सर। गन पे एक भी उंगली का निशान नहीं था सर। गन पे क्या सर, कहीं पे भी नहीं था। अरे बॉस, क्राइम का इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जिन्हें उल्टे काम करने में ही मजा आता है। बस एक किस्म का जुनून बुखार सवार रहता है इनके दिमाग में जो खून देखने के बाद ही उतरता है। ये रॉनी भी इसी तरह का आदमी है सड़ों के, खून देख के मजा आता है उसे। सर ये गोली रॉनी के गन में से नहीं चली। डॉक्टर तारिका, तुमने वही गन चेक की है ना जो हमें रॉनी के कार में से मिली थी? जी सर। तो क्या रॉनी के पास कोई दूसरी गन भी थी? पर सर उसके घर में से तो कोई गन मिली ही नहीं है। वही तो। एक दूसरी बात भी है बस। क्या? रॉनी इस लड़की को मार ही नहीं सकता था। क्यों, क्यों नहीं मार सकता? अरे जिंदा होता तो मारता ना। मतलब? मतलब ये कि रॉनी की मौत इस लड़की के मरने से पहले हो गई थी। तो फिर अनिता की मौत कब हुई? रॉनी के मरने के 4 घंटे के बाद। रॉनी के मरने के 4 घंटे बाद? तो इसका मतलब है कोई दूसरा खूनी है। रॉनी के मरने के बाद ऐसे लगा कि केस खत्म हो गई, पर अब पता चलता है कि उस लड़की को किसी और आदमी ने ही मार दिया। अब ये दूसरा खूनी कहां से आके टपका? और सर इस दूसरे खूनी ने उस लड़की को गोली क्यों मारी? वो तो वैसे ही उसे पानी में डुबो के मारने वाला था। बिल्कुल सही है अभिषेक, उसने तो उसे मारने के लिए सारी तैयारी की थी, पर जाकर के उसे उसने गोली मार दी। और एक बात है सर, कोलाट पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं। इसका मतलब किसी को 2 घंटे पहले ही पता था कि हम लोग रॉनी को पकड़ने वाले हैं और फिर किसी तरीके से उस लड़की तक पहुंच जाएंगे। मगर सर हमने तो किसी को भी नहीं बताया था, तो फिर उसे पता कैसे चला? और वो संजय, वो तो हमारे साथ ही था सर। वही तो समझ में नहीं आता कि उसे पता कैसे चला। सर कहीं इस परी ने तो गड़बड़ नहीं करी है? परी? परी वो क्राइम रिपोर्टर जो हर जगह आकर हमें परेशान करती है? हाँ सर, उसी ने अपने न्यूज चैनल में इस बात को ब्रेकिंग न्यूज बना के दिखा दिया होगा। परी को तो हेलो चैनल न्यूज वन, हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ सीआईडी से। देखिए जरा मुझे आपकी क्राइम रिपोर्टर परी से बात करवाओ। पता नहीं, अरे आपकी क्राइम रिपोर्टर है और आपको पता नहीं वो कहाँ गई? अच्छा उसका कोई सेल नंबर? सेल फोन भी बंद है? अच्छा वो माइम वाली रॉनी की न्यूज कब दिखाई थी आपने चैनल पर? 1 घंटे पहले। ठीक है, थैंक यू। माय गॉड सर, एक आदमी है जो ये कर सकता है। कौन? रॉनी का पड़ोसी गगन। उसके पास काफी टाइम था कोलाट जाके उस लड़की को मारने के लिए। अरे
रेडी, तुम्हारे पास इस गगन का मोबाइल नंबर है ना सर? फोन करो, देखो उठाता है कि नहीं। सर स्विच ऑफ है। सर स्विच ऑफ है, इसका मतलब गगन ही खोल गया। उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है? एक काम करते हैं, चुपके से अंदर जाते हैं, समझे? अलर्ट रहना, पागल आदमी है। क्यों उंगली करता रहता है बार बार? तेरी वजह से मेरे हाथ से खून ही निकल जाता है। डबल ट्रबल कहीं के। उड़ गई चिड़िया। हाँ सर, मगर ये किचन में और इस पे रॉनी लिखा हुआ। रॉनी की किचन गगन के घर में? इसका मतलब ये गगन रॉनी के घर में कभी भी आ जा सकता था। और ये रॉनी की कार भी वही चलाता होगा। गगन रॉनी तो घर पे बीमार पड़ा था। काम इस गगन ने किया और फंस गया रॉनी। इस गगन को तो एक क्या हुआ सर? ये देखो, ये धागे से यहां बांध भी रखा है। इसका मतलब है कि इस गगन को पता था कि हम यहां आने वाले हैं। चला के देखो विवेक। माय गॉड, ये तो वही रिपोर्टर है ना जो हमारे पीछे पड़ी हुई। हाँ सर, ये परी है सर, इसकी भी जान को खतरा है। सर चाबी अवन में मिली है और सीरी एक्वेरियम में। बहुत ही सिरफिरा इंसान है ये। नहीं नहीं, मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे इंफॉर्मेशन अभी चाहिए, इसी वक्त। प्लीज प्लीज, इट्स अर्जेंट। ओके ओके, ठीक है, थैंक्स। प्रेडिक्स, क्या पता चला? गगन ने अभी तक किसी भी एटीएम से पैसे नहीं निकाले सर। क्रेडिट कार्ड? वो भी नहीं सर। पाशा, क्या पता चला उसके फोन नंबर के बारे में? सर उसने फोन बंद करके रखा हुआ है। सर, इस गगन ने तो पहले इंतजाम कर रखा था। उसने कल ही बैंक से 3 लाख रुपए निकाल लिए थे। 3 लाख रुपए? अभिजीत, 3 लाख रुपए निकाले, इसका मतलब है उसने पूरा इंतजाम किया था छुपने का। इन 3 लाख रुपए में तो देश के बाहर भी जा सकता है। फ्रेडिक्स, एयरपोर्ट से पता करो, देखो कहीं भाग तो नहीं गया। और ताशा, सारे चेक नाकों पर इंफॉर्म करो, सब बाहर जाने के रास्ते बंद करो। यस सर। सर एक और रास्ता है। क्या? जब हम लोग कोलाट पहुंचे थे तो वहां पे उस लड़की को मारने के लिए उसने कुछ अजीब सा मशीन जैसा बना रखा था। अब तो? तो वो मशीन उसने किसी से तो बनवाई होगी ना सर? बिल्कुल। और वो मशीन बनाने वाला होगा कोई कारपेंटर। You're right, कारपेंटर।
अब वो स्केच सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा देना और कुछ भी पता चले मुझे तुरंत बता देना, ठीक है? ओके। नहीं सर, यहाँ पे तो गगन को कोई जानता ही नहीं है। ठीक है। दया, वो जो एड हमने पेपर में दी थी उसका क्या हुआ? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं है। ठीक। नया नंबर है, कहीं मछली तो नहीं? हो सकता है। उसे कहो कि तुम, मतलब गगन, उसे मिलना चाहता है वहीं पर जहां पर आखिरी बार मिले थे। हेलो, कौन कौन मंगू? हाँ, मंगू। अरे यार, कहाँ हो यार मंगू तुम? हाँ यार, वो तुम्हारा मोबाइल खो गया था, नंबर मेरे हाथ में था नहीं, इसके लिए मैंने वो अखबार में ऐड दिया। हाँ, एक बहुत जरूरी काम है, तुम आ जाओ। अरे लाख रुपया मिलेगा मंगू, लाख रुपया, तुम आ जाओ। अरे वहीं पे आओ जहाँ पे पहली बार मिले थे मुझसे। हाँ, वही कोलाड, कोलाड। मैं वही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वहीं पे आ जाओ, समझे? जल्दी से जल्दी पहुँचो। ओके ओके। फंस गई मछली सर, कोलाड जाकर मछली फ्राई करते हैं। चल लेट्स गो। घर खाली है शायद। गगन जी, गगन जी, गगन जी, गगन जी, कौन है आप? क्यों मार रहे हो मुझे? क्या कर रहे हो आप? मुझे क्यों मार रहे हो? तूने बनाई ना मशीन? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, गगन जी ने अच्छे पैसे दिए थे दो मशीन बनवाने के लिए। दो मशीन? हाँ, दो मशीन, एक मैंने गगन को दिया और दूसरी कहाँ है? और दूसरी गगन ने ट्रक भेजा था उसे उठवाने के लिए। ट्रक भेजा था? किसका ट्रक? कौन सा ट्रक? क्या नंबर था ट्रक का? नंबर तो याद नहीं सर, सिर्फ इतना याद है कि वो ट्रक धीरज ट्रांसपोर्ट से आया था। धीरज ट्रांसपोर्ट। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है सर। मुझे वो ट्रक चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे? लेकिन वो ट्रक वापस आया नहीं है सर। वापस नहीं है तो ड्राइवर को फोन करो, वो क्लीनर के पास मोबाइल दिया हुआ है ना। हाँ सर, तो उसे फोन करो। वो मैं फोन किया था सर, लेकिन कोई उठा नहीं रहा है, दोनों शायद दारू पी के किधर गिर पड़े लगता है। वो ट्रक यहाँ से कब निकला था? 20 घंटे हो गए सर। 20 घंटे पहले वो ट्रक यहाँ से निकला था और तुमने जानने की कोशिश नहीं की वो ट्रक कहाँ गया? सब कुछ करके देखा सर। वो ट्रक कहाँ के लिए निकला था यहाँ से? पूना। पूना? पूना का एड्रेस दो, दो। वो एड्रेस दो। वो सर, वो एड्रेस सर, वो ट्रक पूना पहुंचा ही नहीं है सर। पूना नहीं पहुंचा? तो फिर कहाँ गया सर? कहीं और चला गया सर। कहाँ पे? अहमदाबाद हाईवे पे चला गया सर। वो ट्रक अहमदाबाद रोड पे गया, ये तुम्हें कैसे मालूम? ड्राइवर ने फोन किया था। जब उस ड्राइवर ने तुम्हें फोन करके बताया कि वो पुणे के बजाय अहमदाबाद जा रहा है तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? नहीं, वो एक्चुअली जिस आदमी ने मुझे पैसे दिए थे उसी आदमी ने डायरेक्ट ड्राइवर को फोन करके बताया कि वो पुणे के बजाय अहमदाबाद रोड पे चला जाए। पैसे देने कौन आया? नहीं, कोई आया नहीं था सर, एक लेटर के साथ में पैसे आए थे सर। तुम्हें मालूम है जिस आदमी ने पैसे भेजे थे वो कौन है? नहीं सर। वो एक खूनी है, 3-4 खून कर चुका है वो। खूनी? इतना बड़ा ड्रामा हो गया, तुम चुपचाप बैठ जाओ, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ ब्यूरो चलो, वहीं पता चलेगा तुम सच बोल रहे हो कि झूठ। चुप चुप। 20 घंटे पहले वो ट्रक मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे गया है सर।
भी हालत में हमें उस ट्रक को ढूंढ के निकालना ही चाहिए। सर उस ट्रक ने ऑक्ट्राय भरा है, नागा क्रॉस किया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। वो ट्रक अभी भी हाईवे पे होना चाहिए। आते जाते सारे ट्रक्स को चेक करो, ध्यान रखो उनके नंबर प्लेट पर, अच्छी तरह से देखो। ये तो मर गया है। सर क्या सर, वो ड्राइवर तो मरा पड़ा है। ड्राइवर मरा पड़ा है? ट्रक अंदर भी खाली है सर। खाली है? जरूर वो गगन उस क्लीनर को लेकर गया होगा मशीन उठाने के लिए। पर वो मशीन भारी है, मतलब वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे सर। हाँ, लगता है वो लोग इस जंगल में गए होंगे। जंगल को चेक करते हैं। मशीन भारी है, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। ये लड़की परी एक घर में बनी हुई है सर, वो घर यहीं कहीं जंगल में होना चाहिए सर। हाँ हो सकता है, लेकिन सब लोग होशियार रहना, खतरनाक होने ही नहीं जा सकता। लाश है, मोटर आए, लगता है यही क्लीनर है, सर पे गोली मार दी। समझ में नहीं आता इस आदमी के दिमाग में चल क्या रहा है। सर अगर लाश यहां मिली है तो घर भी यहीं कहीं आसपास होना चाहिए सर।
नहीं। घसीटने की निशा लगता है इस क्लीनर को मारने के बाद गगन उस मशीन को यहीं से घसीट के लेकर गया है। सर, हाँ, जल्दी आइए सर। क्या हुआ? सर, वहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है सर। हाँ, घर? हाँ सर। तो जाओ। ये लग ही रहा था सर। जंगल में जरूर कोई घर होगा। दे, तुम और अभिजीत पीछे के दरवाजे पर जाओ। फ्रेडरिक्स, जाकर देखो कोई तीसरा दरवाजा है क्या। विवेक चाचा, मेरे साथ चलो। परी को किसी भी हालत में हमें बचाना चाहिए। कैसे हो तुम? ये क्या है? परी कैसी है? परी ठीक है सर, लेकिन ताशा को इसने मारा है। उधर ताशा, उधर है ताशा। उधर है? माय गॉड, ताशा जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलो। बोलो। नहीं, ठीक है, बोलो मत। चलिए मारोगे, समझे? अगर तुम में से किसी का नंबर नहीं है तो फिर अगला नंबर किसका? हाँ, किसका? मेरा। अरे क्या हो? मजा आ रहा है?
ऐसे ही तड़पोगे तो जेल की सलाखों के पीछे 10 बार भी तुम्हें फांसी दी ना तो भी वो कम रहेगी। एसीपी साहब, आई एम रियली सॉरी, मैंने आप लोगों के बारे में जो भी कहा और न्यूज चैनल में जो भी कुछ दिखाया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी बचाने के लिए। अरे वो तो हमारा फर्ज था। एक बात ध्यान में रखना, सीआईडी को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। और एक बात, अपनी न्यूज चैनल पर जो भी दिखाओगी जरा प्यार से दिखाना, बढ़ा चढ़ाकर नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।